नमस्कार, आप देख रहे हैं जोदाना अब तक न्यूज। मैं हूं जितेंद्र डूडी। नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही डोर टू डोर कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने 2 दिन अवकाश होने के कारण छात्र नेता अपने सोशल मीडिया से वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। अब छात्र नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार नारायण व्यास विश्वविद्यालय अध्यक्ष पद पर कड़ा और रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। नारायण व्यास विश्वविद्यालय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रत्याशी त्रिवेंद्र पाल सिंह ने जोधपुर कमला नेहरू महाविद्यालय में छात्रों के बीच जाकर आज जनसंपर्क किया। साथ ही उन्होंने छात्र मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि वे जिन वादों के साथ चुनाव मैदान में हैं, उन वादों को पूरा करेंगे और हमेशा छात्र हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। वहीं NSUI के अध्यक्ष पद प्रत्याशी हनुमान तरड़ ने भी कमला नेहरू महाविद्यालय में जाकर छात्रों के बीच मत एवं समर्थन की अपील की। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों के साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। नेताओं ने अपने अपने पैनल के लिए मत एवं समर्थन मांगा। SFI अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय सिंह टाक ने भी अपने पैनल के साथ कॉलेज में विभिन्न संकायों में जाकर हॉस्टल एवं समाज के बीच जाकर छात्र छात्राओं और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर बतौर निर्दलीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी ने भी जोधपुर के साथ जिले के विभिन्न कस्बों में छात्रों के घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर मत एवं समर्थन की अपील की। वहीं कैन कॉलेज के उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार दीपिका कंवर ने जीप में सवार होकर मतदाताओं से चुनाव में मत एवं समर्थन देने की अपील की। इसके साथ ही कैन कॉलेज की महासचिव पद की उम्मीदवार खुशबू राजावत भी कैन कॉलेज में आने वाली छात्र छात्राओं से मत एवं समर्थन की अपील की। वहीं आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में 2 दिन अवकाश होने के कारण प्रत्याशियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्याशी मतदाताओं से सीधे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है। इसके साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक व ट्विटर के अलावा कॉलिंग करके मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन हो गए नामांकन दाखिल किए हुए, लेकिन 2 दिन विश्वविद्यालय की छुट्टी आने के कारण हम और हमारी टीम गठित कर रखी है, जो डोर टू डोर और सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रत्येक इलाके के अंदर अपनी टीम के मैनेजमेंट से मीटिंगें ले रहे हैं और जहाँ तक है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उन तक पहुँचने की हम पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दिक्कत तो कोई विशेष नहीं है, जो छुट्टियाँ हैं तो हमें थोड़ा ये है कि यदि छुट्टियाँ नहीं होती तो सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर मिल जाते, और अभी छुट्टियां चल रही है तो हम और हमारी पूरी टीम को प्रत्येक विद्यार्थी तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूर यह है कि थोड़ा समय के अनुसार एडजस्टमेंट उनको करना पड़ता है, थोड़ी यही दिक्कत है। बाकी कोई यदि इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव 2019 के अंदर यदि इस बार NSU हैट्रिक मारती है तो मैं सबसे पहला विजन मेरा विश्वविद्यालय के अंदर है कि विश्वविद्यालय को ई रिक्शा से जोड़ना। ई रिक्शा से जोड़ने का बाद विश्वविद्यालय के अंदर सबसे अधिक मेरी बहनों को एक सुरक्षा के लिहाज से भी आप शानदार विजन मान सकते हो, जिसके तहत एक एलिजिबल किराया होगा और सारे जैसे विश्वविद्यालय के अंदर पूरा जो फैकल्टीज है वो हेड ऑफिस से कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको ऐसा कनेक्ट करके छात्र छात्राओं का समय को भी बचाना चाहते हैं और उनका जो एक्स्ट्रा किराया लगता है वो भी एक उसके अंदर
विश्वविद्यालय प्रशासन उसका संचालन करेगा। एक एनएसयूआई लगातार तीसरी बार एक ही बात कह रही है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे, इस बार क्या आप प्रयास करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय? बिल्कुल, हम लोगों ने दो साल से पूरे प्रयास किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, जैसे हमारी थोड़ा कड़ी से कड़ी ने जुड़ना और भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो, लेकिन जहाँ तक है हम हमारा प्रयास करते हैं और इसके केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा भी जो हमारे विजन थे वो हमने एनएसयू ने पूरे किए हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं हम अपने पर प्रयास कर रहे हैं और यदि इस बार हैट्रिक मारती है तो हम जरूर एक सारे विद्यार्थियों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय को एक नए आयाम तक पहुंचाने की पूर्ण जोर कोशिश करेंगे। जिस तरीके से युवा शक्ति हमें पूरा पूरा समर्थन दे रही है एवं समर्थन का जो पूरा पूरा हमारे को कॉन्फिडेंस के साथ में ये बता रही है कि हम आपके साथ हैं, तो हमें ये लगता है कि छात्र शक्ति हमारे साथ है, हम विश्वविद्यालय जरूर जीत जाएंगे। जिस तरीके से छुट्टियां हैं, लगातार छुट्टियां आ रही हैं, इससे आपके चुनाव प्रचार में थोड़ी जो है दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है। देखिए सर, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के कैंपसों में आजकल विद्यार्थी वैसे भी बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, केएन कॉलेज में आज जो भी छात्राएँ आई हैं, जो हमारी बहनें आई हैं, वो अपने आईडी कार्ड के लेने के तहत आई है। हाँ, उनसे मिल रहे हैं हम, जितनी भी जो छात्राएँ हैं उन सबसे आज मिलेंगे हम, और बाकी जितने भी हॉस्टल है उनको कवर करेंगे, बाकी कोचिंग संस्थान है उनमें जाएंगे और वहाँ पे जाके हमारा समर्थन का अपील करेंगे। सोशल मीडिया एज ए कैंडिडेट मैं खुद तो अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हाँ, पर जो हमारी टीम है उसके लिए पूरी की पूरी एक वो टीम बिठा रखी है जो सोशल मीडिया पूरा पूरा हैंडल कर रही है। यहाँ पे आज कृष्ण जन्माष्टमी की कॉलेज के छुट्टी है, तो फिर भी आज काफ़ी गर्ल्स आ रही है, आज है ना तीसरा नामांकन के बाद तीसरा दिन है और गर्ल्स आ रही है। अपना आईडी कार्ड जिनका बाकी रह गया है फर्स्ट लिस्ट वालों का और सेकंड लिस्ट वालों के जो है आईडी कार्ड्स हैं वो आ रहे हैं। आप चुनाव मैदान में प्राथमिकता सर? प्राथमिकता तो सर काफ़ी लड़कियों की मांगे हैं कि हमारा वॉशरूम की प्रॉब्लम है, हमारे बुक्स की प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस की प्रॉब्लम है, दोनों दोनों मिक्स लगती है, उसके लिए बोलेंगे कि इंग्लिश मीडियम वाली थोड़ी अलग करें, टीचर्स एक दो टीचर्स अवेलेबल करवाएं और जो वॉशरूम है उनकी बात करें। और अगर जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? ये जो इंग्लिश मीडियम वाली बात है उनकी बुक्स नहीं आ रही और टीचर्स अवेलेबल नहीं है, वो वाली बात सबसे पहले करेंगे। और जो गांव की गर्ल्स आती है जिनके बहुत दूर दूर से आती है और फॉर्म फिल करवाने के लिए वो एक ही लाइन होती है, बहुत लंबी होती है और उनको फिर एक दिन काम नहीं हो पाता है तो दूसरे दिन करना पड़ता है। बताओ कि भाई आगे दिन हो गए, अब छुट्टियां चल रही है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, किस तरह आपका प्रचार किस तरह से आप कैसे कर रहे हैं? हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारी अब तो आई डी कार्ड मिल गए हैं हमारा, तो अब हमारी एंट्री तो है नहीं, जिनको आई डी कार्ड नहीं मिल रहे हैं। सोशल मीडिया से भी कर रहे हैं और जो आई डी कार्ड लेने आए हैं चालान से उनको बार बोल रहे हैं कि अब हमको सपोर्ट करो, वोट करो, कोई भी काम हो तो बोलो और हम आपके लिए। दिक्कत तो हुई है आपके प्रचार में, रुकावट आई है? हाँ, थोड़ी बहुत तो आई है सर, क्योंकि अभी सारी लड़कियाँ आती तो हम वापस अभी नामांकन भरने के बाद हमारा बैलेट नंबर आया तो हमको याद करवाना बहुत ज़रूरी है, तो हम कॉलिंग करके कर रहे हैं और वहाँ पे ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की गर्ल्स आ रही है आईडी कार्ड लेने के लिए उनके लिए कर रहे हैं। और जो दो दिन नामांकन को भरे दो दिन हो गए हैं लेकिन इसके चलते छुट्टियां आ रखी है तो सही से कैंपेनिंग नहीं हो पा रही है, गर्ल्स मतलब हम बता नहीं पा रहे हैं, लड़कियों को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं हम, इसलिए हम व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे हैं, कॉलिंग चल रही है, डोर टू डोर हॉस्टल वगैरह जा रहे हैं और मैं कुछ मुद्दों को लेकर खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे कॉलेज में वॉशरूम की सबसे बड़ी समस्या है तो उसको ठीक करवाना है सबसे पहले, और यहाँ पे पानी की भी बहुत मतलब ख़राब व्यवस्था है, इसे वाटर कूलर साफ करवाने हैं, फर्नीचर की सही से व्यवस्था नहीं है, यूनिफॉर्म भी करवानी है बच्चों के लिए यहाँ पे, और जैसे कि साफ़ सफाई का सब कुछ यहाँ पे देखना पड़ता है। गांव से आती है लड़कियाँ वो मतलब दो तीन दिन यहाँ पे राउंड मारती रहती है लेकिन वहाँ सही से हो नहीं पाता है उनका, तो स्टाफ में थोड़ी वर्दी होनी चाहिए। हम जैसे दो दिन से लगातार कॉलेज के अंदर छुट्टियाँ चल रही है तो कॉलेज के अंदर तो अभी सब स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, तो हम जो इंस्टीट्यूट्स है सारे कोचिंग सेंटर्स है कॉमर्स वगैरह जो भी सब इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट जाके और जितने भी कॉलेज हॉस्टल्स हैं हॉस्टल डोर टू डोर जाके और जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं अभी।